आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे सामने है ये भारत बेंच, और भारत बेंच का ये जो मॉडल है, ये मॉडल नंबर है 1617, और इसके जो ड्राइवर है वो हमारे साथ हैं। भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नफीस है जी। नफीस, ठीक है। तो भैया कितने टाइम से आप ये गाड़ी चला रहे हो? ये तो जी हो गया, मैं तो 2 साल के करीब हो गए। 2 साल से आप ये गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, कैसा एवरेज दे रही है गाड़ी? एवरेज तो ये 6 का देती है। 6 का एवरेज दे रही है। और गाड़ी पड़ी कितने में ये? गाड़ी इस टाइम तो जी है WG 17 18 लाख रुपए की थी। 18 लाख की हो रही। अच्छा, अभी कितने की हो गई? 22-23 लाख रुपए की। 22 लाख के करीब हो गई है। और ये कितने फुटी में है? ये 20 फुटी है। 22 24। तो ये जो गाड़ी है ये 20 फुटी बता रहे हैं भैया, और इसमें डीजल का टैंक भैया कितने का आता है? ये कितने लीटर का? 200 लीटर का। और एवरेज आप बता रहे हैं कि करीब 4 का एवरेज दे रही है? 6 का एवरेज दे रही है। अच्छा जी, तो लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं झूठ। ये बात झूठ है, हम नहीं मानते जी 6 का एवरेज दे रही होगी गाड़ी है। नहीं, 6 का तो देखती है जी। हाँ, खाली में तो ज़्यादा लगी देखती है। नोट पे जो है 6 का दे देती है। 6 का दे देती है। अच्छा, तो गाड़ी की किस्त कितनी जारी होगी अभी अंदाजन? इसकी किस्त सीधी पहले तो 20 पे पहले फाइनेंस था 45,000 करीब। 45,000 रुपये। अच्छा जी, अब तो इसका तो रीफाइनेंस करा है, अच्छी होगी 30-35,000। 30-35,000 रुपये। अच्छा जी, तो ये जो गाड़ी है, जैसे कि इसमें लोग ये कहते हैं कि यार ये जो है ना बाकी गाड़ियों के मुकाबले बहुत खर्चीली गाड़ी है, मतलब कि महंगे इसके पार्ट पुर्जे इसके महंगे हैं, और एक बार अगर गाड़ी में काम आ गया तो गाड़ी मालिक की जो है ना कमर तोड़ देता है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। गाड़ी में बाहर काम नहीं करा सकते। हाँ, मतलब एजेंसी में ही वर्कशॉप में ले जानी पड़ेगी, और पार्ट काफ़ी महंगा है और जल्दी से मिलता नहीं है। इस तरफ होके बात कर लेते, थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। गाड़ी इधर से देख सकते हैं, इस तरफ से कुछ इस तरीके से है गाड़ी। ये क्या लगा रखा है भैया, फैन है क्या? ये क्या है? ये तो फैन की जाली वैसे ही लटका रहा है। अच्छा, तो गाड़ी कुछ इस तरीके से है भाई, 20 फुटी गाड़ी बता रहे हैं। गाड़ी चलने में मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा भी मतलब जब काम मांगती है तो बढ़िया पैसे पार लगाती है। अच्छा, चलने वैसे में कोई दिक्कत? चलने में कोई? कितने किलोमीटर भी चल गई होगी ये कार? चलेगी पड़ेगा मीटर में 2-2.5 लाख के आसपास चलेगी। 2-2.5 लाख चल गई है। अंदर से एक बार हम देखते हैं जरा, कैबिन वगैरह कैसा है और क्या चीज़ें हैं अंदर से। ये अंदर से देखते हैं, आप उस तरफ से आ जाइए भैया। अंदर से इस गाड़ी का कुछ देख लेते हैं भाई, किस तरीके से है। तो यहाँ सोने के लिए बढ़िया, पंखा भी वहाँ लगा रखा है भैया ने। तो एक बार देखिएगा भैया कितने किलोमीटर चली है। ये चल गई जी 453,540 किलोमीटर। चलिए, तो एवरेज इसका कितने किलोमीटर पर करवाते हैं ये देख लो जी। एवरेज इसका अब फिलहाल ये है, कितना है गाड़ी आ रहा है? 7-6 का। तो 7-6 का दिखा रही है, तो 6 का मिनिमम देगी बिल्कुल, ठीक है। तो गाड़ी में, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो गाड़ी का केबिन आपको कैसा लगा? केबिन तो अच्छा है, जिसका लौटने बैठने तो दिक्कत नहीं है दो आदमी के लिए, ठीक है। एसी में आती है गाड़ी? ये एसी में भी आती है ये, और बगैर एसी की भी आती है ये। फिलहाल ये नॉन एसी है ना? हाँ, नॉन एसी है। यहाँ तो ये क्या है? ये वो चार्जर लगाने वाला है। चार्जर का है। म्यूजिक सिस्टम इसमें साथ ही में आता है? हाँ, ये सब साथ में है। साथ में ही है। चलो जी, तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखें आप कुछ सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। कागज वगैरह ये, हाँ, कागज के लिए इधर भी फाइल वगैरह रख सकते हैं। इधर कपड़े टांगने के लिए आपने एक छोटा सा बना रखा है।
अच्छा, इसकी छत वगैरह कैसी है, हीटिंग वगैरह के हिसाब से? छत की हीटिंग बढ़िया है। बढ़िया। तो कुल मिला के केबिन आपको ठीक लग रहा है? हाँ, केबिन अच्छा। अगर हम लोग कमाई की बात करें, मान लो कोई भाई ये गाड़ी बनाता है, ठीक है, तो कमाई वगैरह कैसे कर सकता है, कितनी कर सकता है? कमाई तो जी वही है, अपने आप चलाने का हिसाब है, जैसे चक्कर मारेगा ऐसी कमाई होगी। अच्छा। अब हम तो गुजरात बॉम्बे चले जी, दो चक्कर लगे हमारे महीने में। अच्छा जी, तो मतलब ये गाड़ी की जो गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो मालिक है, वो कहाँ के हैं? ये तो हरिद्वार में है जी। हरिद्वार से? हरिद्वार से गाड़ी चलती है? हरिद्वार से, हाँ, गुजरात बॉम्बे, गुजरात के लिए चलती है। अच्छा, तो इसमें कितना गाड़ी छोड़ती होगी एक चक्कर पर? गाड़ी छोड़ दिया जी एक चक्कर में कम से कम 40,000 रुपये। 40,000? तो आप बता रहे हो दो चक्कर आप मारते हो तो 80,000 ही तो हुए महीने के। 50,000 रुपये किस्त में चले गए, तो बचा 30,000 रुपये। हाँ, 30,000 रुपये, 10,000 वैसा करके निकाल दो। हाँ, तो बचा ही नहीं कुछ भी है? बचा ही नहीं फिर तो इतना ही कम भाई। काम का हिसाब है जी, काम नहीं है ना, काम हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं है गाड़ी होगा आज के टाइम। तो मतलब मान लो कोई भाई अगर गाड़ी बनाता है, तो आप क्या उसको सलाह दोगे, कौन सी गाड़ी बनानी चाहिए, कैसे काम स्टार्ट करे? अगर कोई भाई गाड़ी बनानी चाहता है जी, तो ये गाड़ी तो बनानी चाहिए जी, आयशर की गाड़ी बनाए। आयशर की गाड़ी बनाए? आयशर में कौन सी गाड़ी बनानी चाहिए? उसको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ड्राइवर को देकर फ्री हो जाए, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से चक्कर मारने पड़ेंगे दो, जब गाड़ी पैसा कमाएगी। अच्छा, तो देखो भैया, स्टाफ छोड़ दे 15-16-20,000 तो स्टाफ चला जा, बिल्कुल नहीं गया, और वही गाड़ी 70-80,000 रुपये कमाएगी, तो मालिक को तो कुछ बचेगा नहीं। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, तो वही है, अगर खुद चलाएगा तो बंदा जो है अपनी किस्त निकाल के अपनी जो है इनकम भी निकाल सकता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो गुजरात के केवल दो ही चक्कर लगते हैं, तो बहुत कम नहीं होगा, महीने के होगी दो चक्कर? नहीं, इससे ज़्यादा तो कमा ही नहीं पाएगा जी, कमी है ये, दो चक्कर से ज़्यादा लग नहीं रहे, पहले लग जाते थे तीन चक्कर। अच्छा, तो अभी गाड़ी की किस्त कैसे फिर जा रही है? मतलब अगर सिंगल मोटर मालिक है जी, खुद मेहनत कर रहा, नई गाड़ी है इसे जैसे, उनका खर्चा कम है, डीजल भी कम खाती है, तो बचा लेते हैं किस्त निकाल के 20-30,000 रुपये बचाते हैं। ऐसा नहीं है गाड़ी पैसा नहीं कमाती, पैसा तो कमाती है। अच्छा, लेकिन कई लोग कहते हैं यार इस गाड़ी में भी बचत काफ़ी है और डीजल कम खाती है ये गाड़ी, इसमें? हाँ नहीं, आयशर से कुछ कम एवरेज है, आयशर का एवरेज और उसके एवरेज में बहुत फर्क है। फर्क है कैसे? ये डीजल ज़्यादा खाती है, वो कम खाती है आयशर वाली। अच्छा, तो मैं क्योंकि बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत ड्राइवरों से बात करता हूँ, तो वो मुझे यही बताते हैं कि भाई भारत बेंच की गाड़ी जो है कम डीजल खाती है, ठीक है, बाकी टाटा की हो गई, अशोक लेलैंड की हो गई, महिंद्रा की हो गई, ये ज़्यादा खाती हैं, और सबसे कम अगर डीजल कोई खाता है तो भारत बेंच की गाड़ी खाती है, भले ही इसके सारी चीज़ें महंगी हैं, ये है वो है। ये गाड़ी सब हमें सब गाड़ी चला ली जी, भारत बेंच भी चला ली, आयशर चला ली, लैंड भी चला, ये गाड़ी सबसे ज़्यादा डीजल खाती है। तो यार जो हमारे दर्शक हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तो कहेंगे हमें ये क्या हो रहा है, जो सच्चाई है वो तो बतानी, कोई तो बता रहा है कि ये कम खा रहा है, कोई कह रहा है ज़्यादा खा रहा है, जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी जी, आयशर जैसी गाड़ी नहीं है। अच्छा, मान लो चलो आप अगर अपनी गाड़ी कभी बनाओगे, ठीक है, तो कौन सी बनाओगे? आयशर की बना। आयशर में कौन सी बनाओगे, आपकी पसंद कौन सी है? उसमें भी अलग अलग मॉडल है। 30-15 आ रही सबसे बेहतरीन गाड़ी है। 30-15? एक अभी आई छोटी गाड़ी, 21-10 वगैरह, 8 का एवरेज है, LCV टोल कट के, तो आधा खर्चा कम कर दिया, भाड़े भी यहीं से मिलने, यहीं से मिलने, बिल्कुल। इसका जहाँ 400 का टोल कट रहा, उसका 200 का कट रहा। अच्छा, तो इसका भी फर्क रहता है क्या? हाँ। तो मतलब ये टोल कम ज़्यादा कैसे होगा, मतलब थोड़ा सा बताइए इसके बारे में दर्शकों को।
जैसे कि 12900 से ऊपर पासिंग है गाड़ियों की, मतलब 1200 से ऊपर की अगर पासिंग है हाँ, तो उसका टोल ट्रक का कटता है। अच्छा, बड़ी गाड़ी का कटेगा सीधा ही। हाँ। अच्छा, बड़े ट्रकों में आ जाएगा। और जो 11 से नीचे पासिंग है हाँ, उसका इससे आधा कटेगा। अच्छा, मतलब 1200 से LCV में कटेगा। अच्छा, मतलब मीडियम में। हाँ, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में। हाँ, लाइट में। अच्छा, तो ये है फर्क। अब जैसे कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी का टोल 400 कट रहा, उसका 200 कट रहा है। ये गाड़ी 6 का एवरेज निकाल ली, वो 8 का एवरेज निकाल ली। इसकी किस्त ज़्यादा है, उसकी कम भी बैठेगी? हाँ, नहीं, किस्त तो जो है अब गाड़ी वो महंगी है, मेरे हिसाब से वो 18 लाख के आसपास की है। अच्छा, कितने फुटी में है वो? तो अगर 2-3 लाख रुपये लगा के आदमी बनाता है तो 30-35 हज़ार ही किस्त आएगी। अच्छा, मुश्किल से। अच्छा जी। हाँ, 22 फुट में ले लो, 20 में ले लो। अच्छा, तो बढ़िया यार, ये सही चीज़ आपने बताई हमारे दर्शकों को, है ना। एक गाड़ी ली है हमने, नवी वो चल रही है। अच्छा, 8 का एवरेज दे रही। हाँ, एक 2 चक्कर लगे हैं उसके। अच्छा, एक बॉम्बे से मारा उसने, एक गुजरात से। बॉम्बे के चक्कर में 35 हज़ार रुपये निकाल ले। ठीक है, और इतने ही सुनेंगे, 70 हज़ार रुपये निकाल दे। आधा किस्त में चला गया, आधी बचत होगी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। उसका खर्चा कम होगा, मेंटेनेंस नहीं है आयशर गाड़ी में, मेंटेनेंस नहीं है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है जी आयशर गाड़ी की, कहीं पर भी खड़ी करके काम करवा लो। अच्छा, हर जगह सामान मिलेगा, हर जगह मिस्त्री। इन गाड़ियों में तो मिस्त्री भी ड्रेजिंग लगता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा वो है, इसका इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, और ये सीधा वर्कशॉप पे ही जाके ठीक होती है गाड़ी। वर्कशॉप से पहले नहीं इसमें काम होता, कोई बाहर का आदमी इसमें हाथ लगाता भी नहीं। बाकी टाटा हो गई आपकी, और बाकी जैसे आप बता रहे हैं आयशर, ठीक है। आयशर में भी कभी बहुत लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, इसके पार्ट पुर्जे नहीं मिलते हैं। आयशर में तो कहीं से ही ले लो, ऑन रोड पार्ट मिल जाते हैं। देखो, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, मैं ना तो मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे को गाड़ी चलानी आती है, ठीक है। मैं तो वो सारी बातें बता रहा हूँ जो आप जैसे भाइयों ने हमें बताई है, ठीक है ना। तो जो लोगों ने हमें बात बताई है, वो उसके बेस पे मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। मैं अपने मन से कोई भी बात की नहीं कहता हूँ, खासकर वीडियो पे, ठीक है ना। नहीं जी, जो हमारा रिव्यू है हमने दे दिया, जो सही बात है वो बताएंगे लोग, गलत। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते भी यही हैं, हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों तक बिल्कुल जेन्युइन जानकारी पहुँचे, ठीक है। कोई भाई गाड़ी बना रहा है, वीडियो देख कर बना लेता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, बिल्कुल, लेकिन उसको पता तभी लगता है जब वो यहाँ पे स्टीयरिंग पे बैठ के उसको मेहनत करता है, तब उसको समझ में आता है गाड़ी वाकई में कितना बचत हो रही है, गाड़ी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि कोई वीडियो देख कर झूठी मूठी बना के बैठ जाओ, फिर क्या होता है, गाड़ी भी खींच जाती है, घर भी चला जाता है। बहुत सारी बातें हैं। ठीक है भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय में दिया, आप हमारे चैनल पे आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। धन्यवाद।